पत्नी है उन्हीं के पास चलेंगे, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोती हुई भी नजर आ रही है, बहुत ज्यादा परेशान है। परसों रात के बाद से ना तो इन्होंने खाना खाया है और ना ही ये चैन की सांस ले पाई है। एक बार इन्हीं के पास चलते हैं और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुस्कान। क्या हुआ है? मैम, मेरे हस्बैंड ने मुझे दोपहर को फोन किया, उन्होंने हाँ जी उन्होंने कहा कि मैं वहीं पे जा रहा हूँ जहाँ पे पंचायत है। तो मतलब पुराना कोई मामला चल रहा है आपका? मैम कुछ भी ऐसी कोई सीरियस बात नहीं थी, मेरे बेटा और मेरे हस्बैंड 6 सेक्टर से ना वहाँ पे जा रहे थे, मम्मी एडमिट थी हमारी, मेरी सास अच्छा। उन्हें देखने की जा रही थी और मेरे बेटे को सहारनपुर भी जाना था अच्छा। तो उन्हें छोड़ने भी जाते, वो बस में बिठा के आते, उन्होंने कहा पहले अपनी दादी से मिल ले उसके बाद मैं तुझे बस में बिठा के आ जाऊँगा। लेकिन एक दिन से हमारा झगड़ा हुआ, ऐसा कोई झगड़ा नहीं था, उनसे ही उन्होंने एक्टिवा से उनकी बाइक से टक्कर हुई तो उस पर उनकी कहा सुना हुई। जिन जिन की आप बात कर रहे हैं, जिनके साथ पंचायत होनी थी तो उल्टा उन्होंने उल्टा उन्होंने मेरे बेटे के 2-3 मारे भी और मेरे हस्बैंड को एक ने पीछे से धक्का दिया। कौन बस लोग हैं वो? जी कौन लोग हैं वो? मैम वो सुना रहे आएंगे, उनके पापा का नाम है जाट है वो। कहाँ के रहने वाले? ये राजीपुरम के। राजीपुरम के रहने वाले। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपलर। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के पानीपत से, जहां पर आपको बता दें कि करनाल से, जी हां करनाल से अनमोल गार्डन के जो मैनेजर हैं सुमेत सैनी, उनका जो शव है वो पानीपत की एक नहर से बरामद हुआ है। जी हां, पानीपत की नहर से बरामद हुआ है। बीती 8 अगस्त को वो किस तरह से करनाल से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए थे, उनकी एक्टिवा कुछ लोगों के घर के पास से मिली थी, जहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके साथ कुछ विवाद हो गया था, उनका किसी टक्कर को लेकर, एक्टिवा की टक्कर को लेकर कुछ विवाद हो गया था, जिसके बाद से दो पक्षों में लगातार तनातनी बनी हुई थी और उसके बाद सुमेध सैनी पहले संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो जाते हैं। करनाल के सेक्टर 32-33 थाने में मामला दर्ज होता है, लेकिन कल रात को उनका जो शव है वो पानीपत की नहर से बरामद होता है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सुनील सैनी, माफ कीजिएगा, उनका नाम सुनील सैनी बताया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि सेक्टर 32-33 थाने के जो SHO हैं वो खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं, जसविंदर सिंह ढिल्लो और तमाम जो परिवार के लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और फिलहाल उनकी हत्या कर दी गई है, ऐसी आशंका पहले वो जता रहे थे, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उनकी हत्या कर दी गई है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। करनाल के सेक्टर 32-33 थाने से जो SHO हैं वो खुद मौके पर पहुंचे हैं, अभी DSP भी मिस्टर देसवाल करनाल से आए हुए थे और फिलहाल जो पुलिस है वो अपनी कार्रवाई यहां पर करती हुई दिखाई दे रही है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें कि अनमोल गार्डन के जो मैनेजर हैं उनकी, सुनील सैनी की हत्या कर दी गई है और उनका जो शव है वो बरामद हुआ है पानीपत की नहर से। हालांकि परिवार पहले से इस बात की आशंका जता रहा था, लेकिन अब उनका शव पानीपत से बरामद हो गया। सर, आपके भाई थे, बहुत अफसोस है कि उनका जो शव है वो बरामद हुआ, पहले शक भी जता रहे थे, क्या कुछ ये पूरा मामला है, कौन थे आपके भाई, कहाँ नौकरी करते थे? सर, मेरे भाई साहब अनमोल गार्डन में मैनेजर थे और वो लास्ट 20-25 साल से वहाँ काम कर रहे हैं और उनका डेली रूटीन में सुबह 9 बजे आना और शाम को अपना 7-8 बजे अपने घर आना, डेली रूटीन में यही था और उनका आज तक भी कोई लड़ाई झगड़ा किसी रोल में नहीं था। बस लास्ट टाइम वो अपना बेटे के साथ सेक्टर 6 में जा रहे थे तो उनकी एक बाइक के साथ थोड़ी सैड लग जाती है, उसमें कहा सुनी हो जाती है, कहा सुनी में वो मेरे भतीजे को थप्पड़ मार देते हैं, मेरे भाई साहब को गाली भी दे देते हैं जो सामने वाला। हाँ जी, तो मेरे भाई साहब मेरे बेटे को समझा के घर ले आते हैं, कोई बात नहीं, जो हो गया ठीक है। उसके बाद हमें नहीं पता, हम अपने बच्चे को सुबह भेज देते हैं पर हमें नहीं पता कि उससे अगले दिन उनके साथ कोई और कार्रवाई कर देते हैं, हमें इसके बारे में कोई अंदेशा नहीं होता, ठीक है, हमें नहीं कुछ पता, जबकि उन्होंने हम रिपोर्ट में हमारे बच्चे का नाम भी लिखवा रखा है। हमारा बच्चा जब अपना 1 महीने बाद आता है तो 1 महीने बाद मेरे भाई साहब के पास थाने वाले पहुंच जाते हैं, पुलिस वाले, कि ऐसे ऐसे आपके बेटे के खिलाफ कंप्लेंट है और आप थाने में चले जाओ। हम तो भाई साहब थाने में चले जाते हैं, थाने में जाने के बाद एक पंचायत होती है, पंचायत में ये होता है कि डिस्कस होता है कि आप अपने भाई के लड़के को लेके आइए
और वो अपने नेम ले लेगा कि आपका लड़का वहाँ पे नहीं था तो हम आपको केस से फ्री कर देंगे। मैं हिमाचल में जॉब करता हूँ तो मेरे को भाई साहब ने वहीं पंचायत में फ़ोन किया, मैं हिमाचल से आया हूँ, ठीक है, रात को ही आया हूँ मैं, पर मेरे को रात को ही फ़ोन आ जाता है मम्मी का कि ऐसे ऐसे भाई साहब घर से निकले थे, घर से उन्होंने ही बुलाया था, पंचायत के लिए निकले थे। नहीं नहीं नहीं, सुबह एक बार पंचायत करके आ जाते हैं, सुबह भी उन्होंने पंचायत उन्होंने बुलाया, पंचायत हमारी मंडे की थी और संडे को उन्होंने बुलाया, संडे को उन्होंने दो, वो सुबह 8 बजे गए हैं, 8 बजे जाने के बाद 2 घंटे वहाँ पे उन्होंने लगाए हैं, उसके बाद वो 10 बजे पैलेस गए, हमने पैलेस में रिकॉर्डिंग चेक की है, उसके बाद वो मेरे से उनसे बात नहीं हुई, ठीक है, ना मेरे को कुछ पता, क्योंकि मैं अपने ससुराल में अपने बेटे को लेके आना था। उसके बाद वो रात को फिर दोबारा निकलते हैं, वो रात को घर आते हैं, घर आ गए हैं 8:30 बजे घर आ गए हैं, फैमिली से मिले हैं, खाना खुना खिलाया, बच्चों के साथ खाया भी है, और अचानक ही वो रात को 9:10 बजे निकलते हैं और अपने यार दोस्तों को बाकायदा वो फ़ोन करके बताते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे जिनसे पार्टी से मिल के आया हूँ उन्होंने ही मेरे को दोबारा बुलाया है, हर कोई उनको मना करता है कि ऐसे भी ऐसे कोई फ़ोन की डिटेल निकली हमारे, आया हुआ था फोन। हमारे पास रिकॉर्डिंग है बाकायदा अपने भाई साहब की मोबाइल की, सारी रिकॉर्डिंग है उसमें, जो जो उन्होंने तीन चार आदमियों से जो बात की है वो रिकॉर्डिंग है हमारे पास प्रॉपर, वो भी हम उस दिन से लगातार गायब थे, आपने डीसी साहब से, एसपी साहब से, आईजी साहब से सबसे मिले, तो पुलिस ने क्या कुछ जांच की उस मामले में? सर 4 दिन तो पुलिस ने हमें नहीं पता क्या किया, हम तो उनके पास आते रहे जाते रहे, हमें नहीं पता 4 दिन में क्या हुआ, उसके बाद हम डीएसपी साहब के सामने पेश हुए, उन्होंने सीआई वालों को केस ट्रांसफ़र कर दिया, सीआई वालों ने उनको उठाया और उनका नाम सुनहरा डिल है और एक संदीप डुल है और जिससे एक साथ में पम्मी है और पम्मी का भाई है, वो थे 4 लोगों के नाम। हाँ जी, 4 लोग थे, वही बयान में है। उसके बाद हम वहाँ जाते हैं, सीआई वालों ने उनको उठा लिया, उनका पता नहीं रिमांड लिया नहीं लिया मुझे नहीं पता, पर सीआई वालों ने हमारे को सपोर्ट किया, वो हमारे साथ सारी जगह जा रहे थे, पर अंदेशा ये है कि अगर जो कुछ ज़्यादा ही सख्ताई से कार्रवाई की जाती तो शायद हमारे भाई साहब हमें सही सलामत मिल जाते। उन्होंने भाई साहब का किडनैप किया, किडनैप करने के बाद उनको 8-10 दिन तक उनको टॉर्चर भी किया, कहीं पे भी रखे, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें कल पता चलता है कि ऐसे ऐसे प्रगट सिंह जी ने हमें फ़ोन किया, उनसे संपर्क में थे, उन्होंने पहले हमें 3 फ़ोटो भेजी दिन में, तो वो फ़ोटो हमारी, मैंने बोल दी ये हमारे भाई साहब नहीं हैं, उनका अचानक ही 5:30-6 बजे में फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे हमारे को एक और बॉडी मिली है और आपके भाई साहब ने क्या पहन रखा, मैंने टी शर्ट पहन रखी थी, कहते मैं आपको एक फ़ोटो भेज रहा हूँ आप देखो कि वही हैं, तो मैंने फ़ोटो देखी तो मैंने कहा हाँ जी ये मेरे भाई साहब हैं और ये कहाँ पे हैं, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये वहाँ पे मिले हैं और वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। डेड बॉडी बरामद हुई है? हाँ जी, डेड बॉडी गले में उनके टाई है, सिर फोड़ा हुआ है, कमर में चोट है उनके। हाँ जी, जीभ भी बाहर थी, जीभ बाहर, टाई निकली तो जीभ निकली हुई है उनकी ना, तो गला घोटा हुआ है, यानी बड़ी बेरहमी से जो भी किए हैं ये एक आदमी काम नहीं है, आप समझ सकते हो इसमें एक भी वो अट्टे कट्टे थे। हाँ जी सर, मेरे से तगड़े थे सर, 2-3 आदमी के हाथ नहीं आ सकते थे, तो इसमें मेरे को आपको पूरा शक है कि जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने ही किया है या कोई और एंगल भी परिवार का, कोई पिछली रंजिश हो किसी के साथ? सर हमने सारे एंगल देख लिए, हमने सारी रिश्तेदारी में कंफर्म कर लिया, उनके यार दोस्त जहाँ उनके पहले से सब ने पता कर लिया, कोई लेन देन हो या कुछ ऐसा कुछ नहीं था, वो इसी कारण से डिस्टर्ब थे, इसी कारण से सारा कुछ हुआ। उन्होंने उनको बोला भी, उनकी रिकॉर्डिंग में है, या तो भाई तू आ जा या तेरा बेटा आ जा, हमें तो एक आदमी चाहिए, कोई भी एक आदमी तू आ। क्या चाहते थे वो ऐसा? वो यही कि कहने का मतलब तो यही है, अगर जो रिकॉर्डिंग में बोल रही हैं कि या तो तू आ जा या तेरा बेटा आ जा, तो ये कहने का मतलब ये कि रिकॉर्डिंग सुनाई आपने? हाँ, रिकॉर्डिंग हमने पुलिस को सुनाई है, सबको सुनाई है, ठीक है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम यही कार्रवाई चाहते हैं कि देखो हम सीएम सिटी में रहते हैं, ठीक है, अगर जो हम एक आम नागरिक हैं, ठीक है, अगर जो हम हमारे साथ ही ऐसा होगा तो मैं नहीं कहता कि नागरिक और भी है उनके साथ भी ये होगा, पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो दोषी है उसको दोष उसको उसकी सज़ा दो उसको, ठीक है, ताकि वो कोई भी उसको सज़ा मिलेगी तो उसके अलावा जो दूसरा कोई भी ऐसा करने से पहले सोचेगा कि ये मेरा नाम यश सैनी है,
यश सैनी हैं ये, अपने भाई सुनील सैनी की हत्या से काफ़ी ज़्यादा परेशान पूरे का पूरा परिवार। फिलहाल करनाल की CIA 2 शाखा की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई हैं। DSP विजय देसवाल भी मौके पर आए थे और फिलहाल सेक्टर 32-33 थाने के जो SHO हैं जसविंदर सिंह ढिल्लो वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि किडनैप करने का आरोप लग रहा है 8 अगस्त को, लेकिन शव बरामद उनका होता है उनका कल 19 अगस्त रात को पानीपत की एक नहर से, जिसमें इलेक्ट्रिक जो टाई होती है प्लास्टिक की वो उनके गले में बंधी हुई थी। इससे कहीं ना कहीं बहरहमी से जो हत्या की गई है उसका जो शक है फिलहाल ज़रूर लग रहा है। आप देख सकते हैं कि पानीपत के मॉर्चरी हाउस में फिलहाल जो उनका शव है उसको लेकर आया गया और तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं जाँच के नाम पर जो दस्तावेजों की तैयारी है वो फिलहाल की जा रही है और उसके बाद जो पोस्टमार्टम है वो किया जाएगा और फिर पता लग पाएगा कि आखिर सुनील सैनी की जो हत्या है वो कितने दिन पहले या कितने घंटे पहले हुई थी, क्योंकि शव उनका कल बरामद हुआ है। हमारे साथ सेक्टर 32-33 थाने के जो SHO हैं जसविंदर सिंह, उनसे एक बार बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कहते हैं SHO साहब, क्या कुछ जो जानकारी है वो मिली थी। परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान था, मामला ज़रूर दर्ज किया गया था, आज उनका शव बरामद हुआ है पानीपत की नहर से, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? हमारे पास 9-8 को एक कंप्लेंट आई थी कि ऐसे निकाला है सुनील नाम का आदमी है, गुम हो गया कहीं, तो हमने 9 तारीख को ही मुकदमा दर्ज कर दिया 340 का गुमशुदगी का। हाँ जी हाँ जी, उसके बाद CIA 2 में ये मिसल चली गई थी और CIA 2 वाले इसकी जांच कर रहे थे, लेकिन कल हमें पता चला था कि ये इस आदमी की मोनक नहर से डेड बॉडी मिली है, तो आगे अब जांच चल कर रही है। तो हत्या में दर्ज किया जाएगा मामला? नहीं, अभी देखते हैं, अभी जांच चल रही है, जैसे हम पोस्टमार्टम करवाएंगे डॉक्टर साहब से राय लेंगे क्या मैटर। तो अब जो मुकदमा पहले से दर्ज था धारा ही मेरे ख्याल चेंज होगी उसमें और उसी हिसाब से जांच होगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भी जैसे भी होगा आगे CIA 2 इसकी जांच कर। तो अपील करना चाहेंगे सर, हो सकता है किसी को मामले की जानकारी हो, लोग डर के मारे पुलिस के पास कई बार नहीं आते भी, अगर किसी को कुछ जानकारी हो तो पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, नाम अगर गुप्त रखा जाए उनका। तो अगर इस आदमी को कहीं भी जैसे 5-7 दिन ये घूम रहा है, अगर किसी ने देखा भी हो उसको कहीं, तो वो हमें आके बताए, उसको बिल्कुल गुम उसकी रखी जाएगी, हम अच्छे से जांच करेंगे। DSP साहब भी आए थे अभी? हाँ, डिप्टी साहब देसवाल साहब आए थे। तो आप देख सकते हैं कि DSP विजय देसवाल जरूर मौके पर अभी पहुंचे थे और पूरी तरह से आश्वस्त कर गए हैं परिवार को भी कि जो भी मामले के पीछे आरोपी होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरी उनसे निजी तौर पर बात हुई, उन्होंने कहा कि जो भी कड़ी कार्रवाई होगी की जाएगी, क्योंकि अब जो मामला है गुमशुदगी से हटकर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, क्योंकि जैसा कि फिलहाल लग भी रहा है कि बेरहमी से उनकी हत्या की गई है, पानीपत के मॉर्चरी हाउस में उनका जो शव है फिलहाल रखा गया, पुलिस अपनी जो कार्रवाई है वो फिलहाल कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंपा जाएगा और उसके बाद मामले में जो धाराएं हैं वो बदली जाएंगी। फिलहाल आरोप लग रहा है करनाल के ही 4 व्यक्तियों के ऊपर कि जिनके साथ उनका कुछ विवाद हो गया था स्कूटी और मोटरसाइकिल टकराने को लेकर, और उसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में पहले सुनील सैनी गायब हो जाते हैं और कल उनका जो शव है मूनक नहर से बरामद होता है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को इस खबर को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल पानीपत से आप सभी के साथ लाइव, जहां पर एक दुख भरी खबर सामने आई कि जिनकी रिपोर्ट हमने 9 अगस्त को की थी कि वो गुम हो गए हैं, आज उनका शव पानीपत की मूनक नहर से बरामद हुआ है। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।